तो सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा वो ये कि पाटीदार बनाम बीजेपी आज पड़ताल करेंगे। दरअसल गुजरात का गणित भी आपके सामने रखेंगे और इस बात को इतना बड़ा कैसे बना दिया गया। इटालिया को जब हिरासत में लिया गया तो आम आदमी पार्टी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, क्या कहा सुन लीजिए। जो लोग गोपाल इटालिया को डिटेन कर रहे हैं उनके पास सिर्फ इतनी राजनीति है, उनको स्कूल ठीक करने नहीं आते, उनको बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। 27 साल हो गए उनको सरकारें चलाते हुए, उनसे एक स्कूल शानदार नहीं बना। गोपाल इटालिया को इसीलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गोपाल इटालिया ऐसी पार्टी से आता है जिसको स्कूल बनाने आते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ड्रामा है। गोपाल इटालिया जी को गिरफ्तार करके ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें आम आदमी पार्टी से कितना डर लग रहा है। आज उन्हें आम आदमी पार्टी को जो समर्थन पूरे गुजरात में मिल रहा है उससे कितना डर लग रहा है कि उन्हें चुपके से गोपाल इटालिया को दिल्ली बुलाना पड़ता है और चुपके से गिरफ्तार करवाना पड़ता है। आज उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो गोपाल इटालिया को, एक पाटीदार नेता को, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गुजरात में गिरफ्तार कर सके। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुबह से वो इस खबर को कवर भी कर रहे थे। तरुण, विवाद शुरू होता है प्रधानमंत्री को लेकर, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई और उनके गुजरात दौरे को भी नौटंकी करार दिया जाता है, फिर महिलाओं को भी कहा जाता है कि आप जो है कथाओं में मत जाइए, वहां पर ठगी होती है, इस तरह की बातें पूरा सिलसिलेवार तरीके से रखे। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है, जो बयानबाजियां हो रही है कि गुजरात चुनाव है और ये दरअसल पाटीदार बनाम बीजेपी ही कोशिश है प्रोजेक्ट करने की। देखिए, आम आदमी पार्टी जो ये दावा कर रही है कि गुजरात के चुनाव के अंदर वो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है, इस तरह का जब माहौल बनता है तो विपक्ष को एक तरह से एज मिलता है कि वो अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं। क्या बीजेपी को इस बात की अनुभूति नहीं होगी कि अगर NCW के किसी समन के ऊपर उनकी गुजरात यूनिट का चीफ यहाँ पर आता है तो उस पर राजनीति कैसे नहीं होगी। बीजेपी को इस बात की पूरी भनक है और जो ये घटनाक्रम सामने आया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक छटपटाहट को भी दिखाता है और इसे अपने पक्ष में भुनाने के लिए आम आदमी पार्टी जहाँ कोशिश कर रही है वहीं बीजेपी भी तल्ख तरीके से इस पूरे एपिसोड के ऊपर टिप्पणियाँ दे रही है। लेकिन अगर अमूमन इस बात को एक कॉमन लेमैन की तरह समझें तो ये एक नैरेटिव आम आदमी पार्टी गढ़ने के अंदर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है कि दुनिया भर के अंदर, देश भर की अगर हम बात करें तो कई नेता इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते आए हैं और महिलाओं की सम्मान के अंदर किस तरह से असम्मान उनका किया जाता है, लेकिन एक सी शब्द को पकड़कर किस तरह से उनका समन एक आम आदमी पार्टी की यूनिट के चीफ को दिया जाता है जहां पर कुछ ही महीनों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और अधिसूचना कुछ ही दिनों के अंदर जारी हो जाएगी, तो क्यों नहीं उनको एज मिले, ये बात आसानी से समझ आ सकती है जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक ज्ञान रखता है कि गुजरात की चुनावी जमीन के ऊपर अब ये गाढ़ा होता हुआ लकीर सामने आ रहा है कि असल फाइट अब आम आदमी पार्टी बजाम बीजेपी स्थापित होती जा रही है और आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी बनाम पाटीदार करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनकी यूनिट का चीफ पाटीदारों को नुमाइंदगी करता है और वो एक ऐसा वोट बैंक है जो कई सीटों के ऊपर डिसाइसिव है और कई सीटों के ऊपर वो जीत हार को तय करता है। लिहाजा आम आदमी पार्टी इस पूरे एपिसोड को अपने एक राजनीतिक मंसूबे हासिल करने के मकसद से प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। उनका यह कहना था कि NCW की चीफ जब उनसे इंटरोगेट कर रही थी तो उन्होंने भी उनको गालियां दी हैं और कुछ ही देर के अंदर गोपाल इटालिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, उनसे इंटरोगेशन अंदर पुलिस थाने के अंदर क्या हुआ इस बात का भी खुलासा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। ठीक, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिखाएंगे और वो क्या कहते हैं क्योंकि आपकी बातचीत हो रही थी तो वे कह रहे थे कि मुझे तो गालियां दी गई हैं और वो मैं बताऊंगा, तो क्या गालियां दी गई हैं और देख लीजिए किस स्तर पर ये चुनाव आता जा रहा है। गुजरात का पाटीदारों की बात हो रही है, 12% आबादी है ये, जिसमें 25 सीटें ऐसी है जहां पर ये 20% हो जाते हैं और 71 सीटें गुजरात की ऐसी हैं जिसमें ये 15% हैं, यानी कि दबदबा अच्छा है और इसे कोई नाराज नहीं करना चाहता, सबसे बड़ी बात यह है और शायद यही वजह है कि इसे पाटीदार बनाम बीजेपी बनाया जा रहा है। पाटीदार आंदोलन से ही गोपाल इटालिया का जन्म हुआ।